पिता जीवित नहीं रहते हैं उनके नाम के आगे ठाकुर सा लगाया जाता है। अब बात करते हैं कुंवर सा, भंवर सा और टंवर सा। तो आज की जो ये वीडियो थी ना, वैसे तो वीडियो थी बट अभी ब्लॉग बन चुका है क्योंकि अब एंड में इन्होंने सरप्राइज दे दिया। आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि हमारे कन्नू भाई सा जो है वो शादीशुदा है, मैरिड है कि नहीं। तो हैप्पी बर्थडे 100 ब्लॉग। ये है हमारा 100वां ब्लॉग। वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में और हमारे चैनल पे भी। तो आज की जो वीडियो है आप देख रहे हो, आज कोई व्लॉग नहीं है। आज की जो वीडियो है वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत सारे लोगों ने, और मैं ये कहूँ स्टार्टिंग से ही लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो के लिए। सोचा वाई नॉट आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए। तो आज की जो वीडियो है वो है राजपूती भाषा के ऊपर, या ये कहें मारवाड़ी भाषा के ऊपर। जी हाँ, आज मैं आपको कुछ ऐसे ही शब्द बताऊंगी, कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगी मारवाड़ी भाषा या जिन्हें राजपूती भाषा में यूज़ किया जाता है। तो मैं जानती हूँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन शब्दों के बारे में पता होगा, बट ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है जिन्हें नहीं पता है या जो आउट ऑफ राजस्थान या आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। इसलिए बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी। तो ऐसे बहुत सारे शब्दों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते, जब भी हम राजस्थान में या राजपूतों में हम किसी से भी, सामने वाले से जब भी आप मिलते हैं तो सामने वाले को क्या बोला जाता है? तो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उन्हें खमा घनी, और वो बदले में हमें घनी खमा बोलते हैं। और जो जेंट्स होते हैं वो खमा घनी तो बोलते ही हैं, इसके अलावा वो राम राम सा और जय माता जी भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जिस शब्द की हम बात करेंगे वो है सा शब्द। सा जो शब्द है वो रिस्पेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए हम सा वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हिंदी में हम जी शब्द का यूज़ करते हैं, किसी को भी जी लगाकर बोला जाता है, वैसे ही राजस्थानी या राजपूती भाषा में किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए हम सा लगाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि हम लोग बोलते हैं पधारो सा, जीमो सा, बिराजो सा, तो ये रिस्पेक्ट देने का एक तरीका है। तो सा जो, जिस तरीके से हिंदी में जी का यूज़ किया जाता है रिस्पेक्ट के लिए, वैसे ही जी की जगह राजस्थानी में सा शब्द का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे हुक्म वर्ड की। आपने बहुत बार सुना होगा कि राजपूतों में बहुत बार हुक्म वर्ड यूज़ किया जाता है। तो हुक्म भी रिस्पेक्ट शो करता है, हुक्म भी रिस्पेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। जब आप किसी को नाम से नहीं बुलाना चाहते तो हमें हुक्म करके बुलाते हैं। हाँ सा हुक्म, जैसे कि आप बना हुक्म बोल सकते हो, जैसे जवाई सा है तो हम जवाई सा हुक्म उनको, मतलब और रिस्पेक्ट, मोर रिस्पेक्ट देने के लिए हम हुक्म वर्ड का यूज़ करते हैं। तो हुक्म जो शब्द है वो भी रिस्पेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह हम जब भी अपने से किसी बड़े के पैर छूते हैं तो उन्हें बोला जाता है धोक लगाऊ सा या धोक सा। तो राजपूत लेडीज होती हैं, यानी कि जो बीनियाँ होती हैं बहुएं, जब अपने से बड़ी औरतों के पैर छूती है, जैसे कि उनकी सासू माँ या काकी सा या और भी जितनी भी बड़ी औरतें होती हैं, जब उनके पैर छूती हैं तो उसे पगा लागना कहा जाता है। पगा लागना, पैर नहीं छूते हैं इसमें, इसमें पल्ले से थोड़ा से दूर से इस तरीके से नीचे बैठ के धोक दी जाती है। पगा लागना की जो रस्म है, किस तरीके से पगा लगा जाता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा। तो आप पगे कैसे लगा जाता है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम दो सबसे पॉपुलर जो राजस्थानी, जो राजपूती वर्ड है, खासकर ये राजपूतों में यूज़ किए जाते हैं, बना और बाईसा। बना और बाईसा आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। जो राजस्थान के उन्होंने तो ऑब्वियसली सुना होगा और वो जानते भी होंगे, बट जो आउट ऑफ राजस्थान है उनको हमेशा ही रहता है। वो बहुत बार मुझे कमेंट में पूछते भी कि बना किसे कहा जाता है और बाईसा किसे कहा जाता है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जो बना है, बना शब्द का जो यूज़ होता है, अपने से उम्र में छोटे जो लड़के होते हैं उनको बना कहा जाता है। जैसे कि भाभी सा अपने देवर को बना बोलेंगी, ठीक है, या फिर आप अपनी जो ननद बाईसा हैं उनके जो बेटे हैं
यानी कि जो आपके भाणेज बना उनको भी हम बना बोलेंगे। तो हम किसी को नाम से नहीं बोलते हैं राजपूतों में। जब भी आपसे कोई छोटा होगा तो उसे, कोई भी लड़का है तो उसे बना बोला जाता है। इसी तरह मैं अपने जो जेठ के जो लड़के हैं उनको भी मैं बना ही बोलूंगी, नाम नहीं बोलूंगी। सब वाइसा शब्द है वो अपने साथ की यानी कि उम्र की लड़कियां या फिर अपने से कम उम्र की लड़कियों के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि जो मेरे ननद है तो मैं उन्हें बाइसा बोलती हूँ, जैसे कन्नू बाइसा आपने सुना होगा। और जो मेरे दूसरे ननद है निक्कू, उनका नाम निक्कू है, तो मैं उन्हें निक्कू बाइसा बोलती हूँ। तो हम नाम लेके नहीं बोलते हैं, तो इसलिए अपने से उम्र में जितनी भी छोटी लड़कियां होती हैं उन्हें हम बाइसा कह के बोला जाता है। करते कुछ रिश्ते नातों की, कुछ ऐसे शब्द जो कि सिर्फ राजपूती, या ये कहूँ कि राजपूतों में या राजस्थान में ही बोले जाते हैं। तो शुरू करते हैं घर के जो मुखिया होते हैं बड़े, यानी कि दादा से, जिन्हें हिंदी लैंग्वेज में दादाजी कहा जाता है। तो उन्हें राजपूती भाषा में या मारवाड़ी भाषा में तो दादा को दाता या दादोसा बोला जाता है। इसी तरीके से दादी को दादीसा या बाबू या बा बोला जाता है। मम्मी को मासा या माँ बोला जाता है। चाचा यानी कि अंकल को काकोसा और चाची यानी कि आंटी को काकीसा बोला जाता है। इसी तरीके से ताऊजी को बाबोसा या बड़े पापा बोला जाता है और ताईजी को बड़ी मम्मी बोला जाता है। बड़ी बहन को जीजा बोला जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो जीजा होते हैं यानी कि जीजा जी, जो कि हिंदी भाषा में जो आपकी बहन होती है उनके हस्बैंड को जीजा जी बोला जाता है, बट राजपूतों में बड़ी बहन को जीजा बोला जाता है। इसीलिए आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में भी जीजा बोलते हैं या कुछ बाइसा भी बोलते हैं, तो जीजा का मतलब होता है बड़ी बहन। ठीक इसी तरह बड़े भाई को दादा भाई या भाईसा बोला जाता है। बहनोई यानी कि बहन के हस्बैंड को जीजोसा बोला जाता है। अब बात करेंगे हम ठाकुरसा की, कि ठाकुरसा किन्हें कहा जाता है। आपने अक्सर देखा हो कि बहुत से लोगों के नाम के आगे ठाकुरसा लगाया जाता है यानी कि ठाकुरसा लगाया जाता है। तो जिनके पिता जीवित नहीं रहते हैं उनके नाम के आगे ठाकुरसा लगाया जाता है। अब बात करते हैं कुंवरसा, भंवरसा और टंवरसा। इसमें बहुत से लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये जो नाम है ये कब कब किसके आगे यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कंवरसा। कंवरसा यानी कि तो जिनके पिता जीवित हों उनके नाम के आगे कंवरसा लगाया जाता है, ठीक है। और उनकी जो वाइफ हैं, धर्मपत्नी हैं, उन्हें कुंवरानी सा कहा जाएगा। इसी तरीके से भंवरसा, भंवरसा जिनके पिता और दादोसा दोनों जीवित हों उनके नाम के आगे भंवरसा लगाया जाता है। जैसे कि आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में देखा भी होगा, मेरी जो सासू माँ है वो मेरे हस्बैंड को भंवर बोलती हैं, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जो दादोसा हैं और पापा दोनों ही, मतलब इनके दादोसा भी उस टाइम जीवित थे, तो इसीलिए इन्हें भंवर बोला जाता है। यानी कि भंवर उसे बोला जाता है, भंवरसा, जिसके पिता और दादोसा दोनों जीवित होते हैं उस बच्चे के नाम के आगे भंवरसा लगाया जाता है। अब बात करते हैं टंवरसा की। टंवरसा उनके नाम के आगे लगाया जाता है जिनके परदादा, दादा और पिता तीनों ही जीवित हों, तो उनके नाम के आगे टंवरसा लगाया जाता है। यानी कि ऐसी संतान जिसकी तीनों पीढ़ियां जीवित हों, परदादा, दादा और पिता, अगर तीनों ही जीवित हैं तो उस बच्चे के नाम के आगे टंवरसा लगाया जाता है। आई होप अब आपको इन सब का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि ठाकुरसा, कंवरसा, भंवरसा और टंवरसा किन के नाम के आगे लगाया जाता है। मुझसे अगर कोई भूल चूक हो गई है तो माफ़ कीजिएगा, और अगर कुछ गलती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी। और अगर आप और भी राजपूती भाषा या मारवाड़ी भाषा के शब्द जानना चाहते हैं, जैसे कि पधारोसा, जीमोसा, है ना, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो मारवाड़ी में बोले जाते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप राजपूती भाषा या मारवाड़ी भाषा के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इसके लिए दूसरी वीडियो भी बनाऊँगी, पार्ट टू। वेट, आई थिंक कोई नॉक कर रहा है बाहर, मैं देखती हूँ। हेलो, मेरी मम्मी भी कर रही है हेलो। तभी आपको सब दिख रहे होंगे, ये मम्मी और ये रहे कन्नू भाई साहब। तो सब लोग अभी इसलिए आए क्योंकि इन्होंने दिया अभी मुझे सरप्राइज, और ये लेके आए हैं केक। ये रहा केक और इस पे लिखा है 100 व्लॉग आज, मतलब ये जो व्लॉग है जब आपके पास आएगा कल तो हमारे 100वां व्लॉग होगा। 100 व्लॉग हो चुके हैं आज हमारे, तो इस खुशी में केक लाए जो कि मेरे लिए सरप्राइज था। तो और आज तैयार हो मेरे लिए ना,
आज भी कोई शूट चल रहा है? नहीं, वैसे शूट तो आप देख ही रहे थे किस वजह से कर रही थी, ये इन्होंने मुझे बताया नहीं था तो ये सरप्राइज था। तो चलो अब केक कट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये है हमारे 100 व्लॉग का केक। तो आज है हमारा 100वां व्लॉग। हालांकि ये में कोई सेलिब्रेशन वाली बात को नहीं, छोटी सी बात है, बाकी खुशियां मनावा को तो कोई बहानो चाहे जे मान लोगा ने तो है ना। तो इलिए मैं आज 100 व्लॉग को भी मैं केक काट रहा हूं। आप लोगों ने भी बहुत, आप लोग एक्साइटेड थे, कई लोगों ने हमें कमेंट भी किया था कि 100 व्लॉग कैसे सेलिब्रेट करोगे, तो हम छोटा सा ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप लोगों के साथ। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं, फुल एक्साइटेड। और देखो माँ की पूरी बारात आ चुकी है। तो आज की जो ये वीडियो थी ना, वैसे तो वीडियो थी बट अभी व्लॉग बन चुका है। हाँ। क्योंकि अब एंड में इन्होंने सरप्राइज दे दिया तो सब लोग आ गए, तो ये व्लॉग ही हुआ आज का। आ कहीं तैयार और बैठी, और मतलब बहुत देर होगी ना, 2 घंटा हुआ तैयार और बढ़िया रिकॉर्डिंग चालू हुई, शूटिंग वूटिंग चालू हुई। मारो मन को लाग रही हो क्योंकि मन के यार मैं वीडियो का मान आऊंगा, मैं भी ब्लॉग माऊंगा जना बोले ले पकड़ो इन्हें फोन ने था हाथ में। चलो केक काट। आधे लोगों को तो ये नहीं पता कि हमारे कन्नू भाई सा जो है वो शादीशुदा है, मैरिड है कि नहीं। तो कन्नू भाई सा मैरिड है, ठीक है, और इनका ससुराल भी जयपुर में ही है, अभी अपने मायके रहने आए हुए है। तो अब हम केक कट करते हैं। पकड़ो। तो ये हम पूरी फैमिली का, खाली पापा मिसिंग है हमारे क्योंकि पापा भी ड्यूटी पर है। हैप्पी बर्थडे 100 व्लॉग, हैप्पी बर्थडे 100 व्लॉग, हैप्पी बर्थडे 200 व्लॉग, हैप्पी बर्थडे 200 व्लॉग। सीधा ही आहा, मेरी प्यारी मम्मी क्यान को लागो। तो आज के 100 इस पे हम सब आप लोगों का थैंक यू करते हैं, बहुत थैंक यू करते हैं। हाँ। आप सभी लोगों का, आप लोग नहीं होते तो ये 100 लोग भी नहीं होता, इतना प्यार और सपोर्ट नहीं देते है ना। थैंक यू तो मम्मी थैंक यू बोल रही है। और ये है हमारा 100वां व्लॉग, उल्टा दिख रहा है इसमें कैमरे में, ऐसे करके दिखाना, अभी उल्टा दिख रहा है। तो ये 100 व्लॉग है। थैंक यू सो मच। आगे हम ऐसे 200-100 भी कम्प्लीट करेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा सरप्राइज मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, और मैं भी जीमन कर रहे हैं हमारे सब लोग। हाँ, और हम लोग केक एंजॉय करेंगे। तो आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत गजब लगा, आपको आज का ये वीडियो कम व्लॉग दोनों ही हो गया, वीडियो भी और व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मम्मी कह रही है ना भूले। तो हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कम ऑन, आप सबने आप सबने।